بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم नाज़रीन हज़रात, जैसे कि अकायद इमामिया का पाँचवा दर्स आपकी खिदमत में जारी है, पाँचवें दर्स में हम ख़त्म नबूवत तक बयान कर चुके थे। बयान ये चल रहा था कि नबूवत पर ईमान अकायदे इमामिया से है और बल्कि तमाम मुसलमीन का इत्तेफाक है कि नबूवत पर ईमान ज़रूरी है। और फिर उसके मुतालिक काफ़ी चीज़ें मुख्तसरन बयान की थी कि नबूवत में मासूम होना ज़रूरी है, उसकी इस्मत मुसल्लमात में से है और उन औसाफ़ का मालिक हो जो एक इंसानी फितरत में बाकमाल सिफतें होनी चाहिए। और नबूवत का मकसद ये है कि खुदावंद करीम इन इंसानों को हिदायत की तरफ और अपनी तरफ ले जाए। और नबूवत का मकसद यह है कि जितनी भी रज़ाइले मानवियात हैं उनसे इंसानों को दूर करे और मसाले और मफासिद समझाए और मसाले की तरफ इशारा करे कि ये इसमें मसलियत है, इस फेल को अंजाम देना चाहिए, इसमें मफसदा है, इस फेल को तर्क करना चाहिए और जुल्म और जोर से इंसानों की हिफाजत करे और अदल और इंसाफ से इस पूरी ज़मीन को पुर कर दे। तो ये अहम मकसद था। और उसके अलावा खुदावंद करीम की किस तरह इबादत की जाए, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इबादत के क्या तरीके हैं, कैसे खुदा की तरफ इंसान अपनी तवज्जो रखे। और दूसरी जगह पे इरशाद फरमाया सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। तो ये सारे कमालात अपने अब्द को सैर कराता है, अपनी तरफ बुलाता है, मेराज कराता है। तो ये सारी चीज़ें एक खुदावंद करीम की तरफ रगबत दिलाने और इंसान की ज़िंदगी का मकसद, इंसान की ज़िंदगी का जो हदफ है, वो सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने इस नबी के ज़रिए से, नबी के लिसान से ही इंसान तक पहुंचा दी। और साहिब मौजज़ा होना नबूवत के लिए बहुत ज़रूरी था। ये सारी चीज़ें बयान करने के बाद ख़त्म नबूवत तक बात पहुंची थी कि ये मुसल्लम अकीदा है कि पाक पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आखिरी रसूल हैं, यानी रिसालत का सिलसिला यहाँ ख़त्म हो जाता है और नबूवत का सिलसिला यहाँ ख़त्म हो जाता है। वह खातमुन नबीयीन, नबूवत की इख्तिताम पाक पैगंबर पर हो जाती है। तो अब कोई नबी नहीं आना पाक पैगंबर के बाद। तो ये सिलसिला हिदायत का अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसे ख़त्म नहीं किया, वाले कुल कौमिन हादिन, हर कौम के लिए हादी रखा है और ये ज़मीन बगैर हादी के रह भी नहीं सकती। तो इस वजह से हम आते हैं इमामत की तरफ। तो इमामत उसूल दीन में से इमामिया का अकीदा ये है कि इमामत का मनसब मनसब इलाही है
और इसके बारे में बयान करते हैं नअतकिदु, शेख मुजफ्फर बयान करते हैं नअतकिदु अन्नल इमामत असलम मिन उसूल दीन ला यतिमुल ईमान इल्ला बिल एतिकाद बिहा। तो इमामत उसूल दीन में से वो उसूल है जिस पर एतकाद रखना ज़रूरी है, वरना इसके अलावा ईमान तमाम नहीं होता। ईमान मुकम्मल नहीं है जब तक इमामत पर ईमान ना हो। और इसमें कोई किसी की तकलीद नहीं कर सकता, क्योंकि इमामत उसूल दीन में से है। तो ये अकायद जो हैं अकल के ज़रिए से, अकली दलील के ज़रिए से ही पहचाने जाते हैं, उनकी मार्फत रखना ज़रूरी है। यानी कोई बड़ा कहे, जिस तरह पहले ज़माने में अजदाद और आबा से अकीदे लेते थे, तो कुरान मजीद में उनकी मनफी की गई है कि अकीदों में किसी आबा और अजदाद से आप नहीं ले सकते। अलबत्ता यानी अमल में से जाहिल आलिम की तरफ रुजू करे यह हुक्म है, लेकिन अकीदे में किसी की तरफ रुजू करने का हुक्म नहीं है। तो अज़ीज़ाने गिरामी बयान करते हैं कि ये इमामत पर ईमान इंतहाई ज़रूरी है, और ईमान इमामत पर ये अकायद में से है, और ये भी इमामत भी नबुवत की तरफ लुत्फ़ इलाही है, क्योंकि खुदावंद करीम चाहता है कि इंसानों की हिदायत करे, और वो हिदायत का सिलसिला नबुवत तक ख़त्म नहीं किया, बल्कि उस सिलसिले को इमामत के हवाले किया, और ये सिलसिला इमामत का मनसब इलाही है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी जानिब से कोई इमाम मुंतखब करूं, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अपनी जानिब से अगर कोई इमाम को इंतखाब करे मुमकिन है, उसमें बहुत सारी मुश्किलात हों, वो उसमें इस्मत नहीं होगी, उसमें बहुत सारे कमालात वो नहीं होंगे। ये इंतखाब इंसानी है, इंतखाब इलाही ये है कि जो भी अल्लाह की जानिब से इमाम होगा वो इस्मत का भी हामिल होगा, और तमाम कमालात जो इंसान कामिल में होने चाहिए उन कमालात का भी मज़ार होगा। तो ये मनसब इलाही है। कोई इंसान अपनी जानिब से किसी इजमा के ज़रिए से या किसी इज्तिमा के ज़रिए से, किसी नफसानी ख्वाहिश के ज़रिए से किसी इमाम को इंतखाब कर ले, ये उसकी जानिब से तो इमाम हो सकता है, लेकिन ये मनसब इलाही की जानिब से इमाम नहीं हो सकता। तो अज़ीज़ाने गिरामी, तो ज़रूरी है कि इमाम को भी अपने नबी की तरह मुर्शिद होना चाहिए। किसकी तरफ? ताकि मुआशरे की इस्लाह करे, और मुआशरे में जितनी भी बुराइयां हैं उनको ख़त्म करे, और मुआशरे में अदल और इंसाफ के साथ उसको पुरनूर करे, उनको मुकम्मल करे। तो जितना भी जुल्म हो रहा है तो उस जुल्म को ख़त्म करे, जिस तरह नबी का यही सेवा था और नबी का भी यही मनसब था कि इंसानों को जुल्म से तहफ़ुज़ दे, तो इमाम भी उन इंसानों को जुल्म से तहफ़ुज़ दे। तो ये इमामत के लिए, ये नबुवत के लिए इमामत इस्तेमरार बनता है कि नबुवत का सिलसिला जो पाक पैगंबर तक ख़त्म हुआ था वो सिलसिला इमामत के ज़रिए से इस इरशाद इलाही और इंसानों की तरफ जारी व सारी है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, हमारे पास नस मौजूद हैं, नस से कुरान मौजूद है कि इमामत का मनसब इलाही है, खुदा की जानिब से मंसूब है, न कि कोई इंसान अपनी जानिब से उसे नसब कर सकता है, बल्कि ये मनसब इलाही है। तो जिस तरह कुरान मजीद में इरशाद हुआ वाले कुल्ले कौम इन हादिन, हर कौम के लिए हादी है, तो यहाँ हाद से मुराद क्या है? या तो नबी होगा हादी, या तो इमाम होगा। अगर नबुवत का सिलसिला ख़त्म हो जाता है तो ज़रूरी है कि इमाम होना चाहिए, क्योंकि खुदावंद करीम का वादा है कि इन इंसानों को बग़ैर हादी के नहीं छोड़ेगा।
और इमामत के लिए बहुत सारी रिवायात, बहुत सारी आयात मौजूद हैं जो इस बात पर दलील हैं कि मनसब इलाही है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, ये इमाम जिसकी जम आइम्मा है, तो आइम्मा अलैहिस्सलाम, ये इनका अदद भी इंशाल्लाह बयान करेंगे। पाक पैगंबर के बाद ये आइम्मा दीन के लिए मुर्शिद हैं और इस मुआशरे के लिए इस्लाह करने के लिए आए हैं और इस मुआशरे को जुल्म से बचाने और अदल कायम करने के लिए आए हैं। तो ये आइमा अलैहिस्सलाम, जो हम इमामियों का अकीदा है कि पाक पैगंबर के बाद वो आइमा 12 हैं, उनमें से अव्वल हजरत अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं और आखिर हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम हैं। तो ये आइमा का सिलसिला जो है पाक पैगंबर के बाद शुरू हुआ है। पहला इमाम हजरत अली बिन अबी तालिब और दूसरा इमाम हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, तीसरा इमाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और फिर औलाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ये सिलसिला शुरू हुआ और इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक इख्तिताम हुआ। तो अज़ीज़ाने गिरामी, तो इमाम की लुगत में माना आम की गई है, यानी आम क्या मुराद है, यानी इससे मुराद ये है कि इमाम यानी पेशवा, पेश इमाम को भी इमाम कहा जाता है। और इसी तरह फ़र्ज करते हैं किसी रहबर को भी इमाम कहा जाता है, लेकिन यहाँ जो इमाम से मुराद है वो इमाम रहबर ये पेश इमाम वाली नहीं है, या इमाम से मुराद वो मनसब इलाही है जो नबुवत के बाद अल्लाह ने अपने ख़ास नुमाइंदों को अता किया है और वो नुमाइंदे रहबर की हैसियत रखते हैं। तो उस नुमाइंदे को इमामुल असल कहा जाता है, जो इमाम की अल्लाह की जानिब से मंसूब है, जो अल्लाह की जानिब से मनसब दिया गया है। तो उस इमाम को, जिस तरह जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुतालिक जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नबुवत का ओहदा भी था, रिसालत का ओहदा भी था और उलुल अज़म पैगंबर भी थे, लेकिन उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ इब्राहिम इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, मैं तुम्हें नबुवत और रिसालत के बाद इमाम बना रहा हूँ। तो इससे समझ में आ जाता है कि इमामत कितना बुलंद मर्तबा है, जो नबियों को भी, बाज नबियों को भी अता किया गया है। कोई ये नहीं कह सकता कि नबी इमाम नहीं हो सकता, बल्कि बाज जगहों पर इमाम नबी के नबुवत के साथ है, जैसे जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं, यानी उनके पास नबुवत का ओहदा भी है, उसके बाद रिसालत का ओहदा भी है, उलुल अज़म पैगंबर भी हैं, उसके बाद इमामत का ओहदा दिया जाता है। इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, तो मैं तुम्हें लोगों के लिए इमाम बनाने वाला। तो ये इमामत इतनी जरूरी है, तो ये फर्क नहीं है कि कोई नबी इमाम नहीं हो सकता, नबुवत भी हो उसके पास रिसालत भी हो तो इमाम भी बन सकता है। तो इसी तरह पाक पैगंबर भी नबी भी हैं, आखिरी नबी भी हैं, आखिरी रसूल भी हैं, खत्म नबुवत खत्म रिसालत भी है उनके पास, लेकिन उसके बाद भी इमामुल मुरसलीन कहा गया है, यानी तमाम मुरसलीन के लिए इमाम हैं। तो इसी तरह ये सिलसिला इमामत का बाद अज नबुवा, नबुवत के बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है, तो ये सिलसिला इमामत का है। लेकिन यहाँ इमामत के बाद ये नबी नहीं होगा, क्योंकि नबुवत के लिए मुसल्लम अकीदा है तमाम मुस्लिमीन का कि नबुवत पाक पैगंबर तक ख़त्म हो गई, अब कोई नबी नहीं आएगा। तो इसी तरह जिस तरह पाक पैगंबर ने फरमाया, ये हमारे यहाँ मुसल्लम अकीदा है कि हजरत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पाक पैगंबर के बाद वो हादी हैं जिसको अल्लाह ने इमाम करार दिया है, जिस तरह ये बयान करते हैं और बहुत सारी आयात हैं इंशाल्लाह बयान करेंगे, यानी अंत मिन्नी बे मंजिलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिया बादी, यानी ये बात वाज़ेह है कि नबी नहीं आना अभी, यानी नबुव्वत ख़त्म हो गई है, तो अब जो भी सिलसिला होगा वो इमामत का सिलसिला होगा। तो अज़ीज़ाने गिरामी, ये इमामा इंद शिया हियल खिलाफतुल कुल्लियतुल इलाहिया, ये
कुल्ली इलाही है तो इसका मतलब यह है कि ये मनसब इलाही है, कोई भी इंसान अपनी जानिब से उसे इख्तियार नहीं कर सकता। और ये इमामत जिस तरह हमने बयान किया बाज़ नबूवत के पास भी मौजूद थी, जैसे जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम है और पाक पैगंबर हैं, ये इमाम भी थे और नबी भी थे, लेकिन नबूवत के बाद खात्मे नबूवत के बाद अब नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो जाता है और इमामत का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये इमामत ये मंजिलतुल अंबिया है, इन्नल इमामतु हिया मंजिलतुल अंबिया व वारिसुल औसिया, इन्नल इमामतु खिलाफतुल्लाह, ये इमामत अल्लाह की खिलाफत है, अल्लाह की जानिब से खिलाफत है। यानी अल्लाह ने जब भी कोई इमाम बनाया है या कोई नबी करार दिया है अपनी जानिब से करार दिया है, जिस तरह खलीफा पहला खलीफा बनना था जनाब आदम अलैहिस्सलाम, तो क्या फरमाया खुदावंद करीम ने, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं ही खलीफा बनाने वाला हूँ। तो मुसलमानों को कम अज कम इतना सोचना चाहिए कि खिलाफत व इमामत, क्योंकि हमारे यहाँ खिलाफत और इमामत एक ही बात है, लेकिन आमा के पास इमामत का सिलसिला और है और खिलाफत का सिलसिला और है। यानी खिलाफत सियासी कहते हैं और इमामत इमामत इलाही कहते हैं, लेकिन हम इमामियों के पास खिलाफत और इमामत एक ही बात है, यानी जो खलीफा होगा पाक पैगंबर के बाद वही इमाम होगा। और वही सिलसिला पाक पैगंबर ने नस्सन बयान किया है कि मेरे बाद इतना अशर खलीफा, यानी 12 खलीफे हैं, 12 इमाम हैं, उनमें से अव्वल अली इब्न अबी तालिब हैं और आखिर महदी अलैहिस्सलाम हैं। तो ये सिलसिला मुसलमात में से है। तो बयान करते हैं वह खिलाफत रसूल, ये खिलाफत रसूल है। वह मकाम अमीर अल-मोमिनीन बयान करते हैं कि मकाम अमीर अल-मोमिनीन व मीरासुल हसन वल हुसैन, ये पाक पैगंबर की लिसान से साबित है। हत्ता के बाद जगहों पर बयान हुआ है कि पाक पैगंबर को भी ये हक नहीं है कि अपनी जानिब से कोई खलीफा मुकरर करे, अपनी जानिब से कोई इमाम मुकरर करे, सिवाय इसके कि वो पैगंबर है, जो भी मुकरर करेगा वो अल्लाह की जानिब से होगा। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा का मिस्दाक पैगंबर, इसका मतलब ये है कि ये जो भी मनसब अपने बाद जिसे देगा तो वो मनसबे इलाही होगा। यानी पाक पैगंबर ने अपनी जानिब से इंतखाब नहीं किया, क्योंकि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, ये मोहम्मद कुछ भी नहीं है सिवाय रसूल के। यानी ये जो भी बयान करते हैं वो रिसालत ही बयान करते हैं। तो इससे साबित हो जाता है कि पाक पैगंबर ने ये जो आइम्मा का सिलसिला बयान किया है वो अपनी जानिब से बयान नहीं किया, बल्कि ये अल्लाह की जानिब से है। जिस तरह पहले खलीफे के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज खलीफा, मैं मेरा ही मसला है कि मैं किसे खलीफा करार दूँ, और मेरा ही मसला है कि मैं रिसालत कहाँ करार दूँ, और मेरा ही मसला है कि मैं इमामत कहाँ करार दूँ। तो ये पूरा सिलसिला जो है अज़ीज़ान गिरामी आइमा अलैहिस्सलाम का सिलसिला, ये जो 12 इमाम हैं, अव्वलुहुम अली इब्न अबी तालिब व आखिरुहुम महदी अलैहिस्सलाम, ये सिलसिला मनसबे इलाही है। कोई ये ना कहे कि शियों ने अपनी जानिब से कोई ये सिलसिला कायम किया है, नहीं, बहुत सारी आयात हैं, बहुत सारी रिवायात हैं, इस पर इंशाल्लाह हम बयान करेंगे कि ये मनसबे इलाही है। तो अज़ीज़ान गिरामी, कहने का मकसद ये है कि ये मनसबे इलाही है, और हम ये दावा करते हैं व नअतकिद और ईमान रखते हैं, अन्नल आइमत आइमत इतना अशरा बाद नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुम खुलफाउल्लाह फी अर्ज़िही व उमनाहु अला अहकामिही। तो यही है पाक पैगंबर के बाद वो खुलफा हैं और यही उमना हैं, अल्लाह की जानिब से हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, तो ये सिलसिला इमामत का मनसबे इलाही है। और इसमें भी
यही अकीदा आता है कि जिस तरह नबी का मासूम होना ज़रूरी है तो आइमा अलैहिस्सलाम का भी मासूम होना ज़रूरी है, उनकी इस्मत ज़रूरी है। वही दलील बयान करते हैं कि जो नबी के लिए दलील बयान करते हैं, क्योंकि नबी का काम क्या है कि वो अल्लाह के अहकाम को पहुँचाए और सही बयान करे और लोगों को अल्लाह की तरफ रगबत दिलाए, उनके अवामिर और नवाही पर अमल करवाए कि अगर खुदा न खास्ता पाक पैगंबर में से नबियों में से कोई अगर गलती करे, इश्तबाह करे, निस्यान करे, जब वो खुद खता कर सकता है तो वो हिदायत कैसे करेगा। तो आइमा अलैहिस्सलाम के लिए भी ज़रूरी है कि वो मासूम हो, इसकी इस्मत के लिए इतना ही काफ़ी है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलिल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। तो ये खास अहल बैत अलैहिस्सलाम के लिए ये सिलसिला बयान करता है कि नबी के बाद ये वो मासूम है जहाँ से सिलसिला इमामत शुरू होगा। तो इमामत के लिए ज़रूरी है कि वो मासूम हो, क्योंकि अगर वो मासूम नहीं होगा तो इसका मतलब यह कि जब नबी और इमाम अगर गुनाह कर सकता है तो लोगों को गुनाह करने के लिए क्यों मना किया जा रहा है। अगर नबी और इमाम निस्यान कर सकता है तो इनसे निस्यान के लिए फिर क्यों हुक्म मना किया जा रहा है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, तो इमाम और नबी इस्मत में बराबर हैं, जिस तरह वो मासूम है तो ये भी मासूम है। और वही अकीदा जो नबी के लिए ज़रूरी था कि नबूवत पर हम अकीदा रखें कि वो सिफात बा कमाल के मालिक हों, तो इमाम के लिए भी ज़रूरी है कि वो सिफात बा कमाल, जैसे उनमें शुजात नबी में होना ज़रूरी है तो यहाँ इमामत में भी शुजात होना ज़रूरी है। तो यहाँ एक जुमला कह दूँगा कि कौन था जो हज़रत अमीर अल-मोमिनीन से ज़्यादा कोई शुजा था, ये पाक पैगम्बर के ज़माने में ही गुजरा है कि अली इब्न अबी तालिब जैसा कोई शुजा नहीं था। और बहुत सारी सिफातें कि वो करीम होना चाहिए, वो अफीम होना चाहिए, और वो सादिक और सिद्दीक होना चाहिए, और वो आदिल होना चाहिए। तो कौन गवाही नहीं देगा कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब इन तमाम सिफात के हामिल थे। और उसके बाद जितने भी आइमा गुजरे हैं, इमाम हसनैन, इमाम हसन अलैहिस्सलाम व इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये सिलसिला इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक जाता है। बहुत सारी रिवायात गवाह हैं कि ये आइमा अलैहिस्सलाम शुजा भी थे, करीम भी थे, अफीम भी थे, सिद्दीक भी थे, आदिल भी थे, मुदब्बिर भी थे, तदबीर करने वाले यानी थे, और अकल और हिकमत रखने वाले थे। तो ये अल्लाह की जानिब से ये नुमाइंदे थे। और इस पर वही दलील है जो नबी के लिए दलील बयान करते हैं, और यही दलील काफ़ी है कि इमाम तमाम बासिफात का मज़र होना चाहिए। और ये अकीदा भी ज़रूरी है कि जिस तरह नबी की इताअत ज़रूरी है तो आइमा अलैहिस्सलाम की इताअत भी ज़रूरी है। जिस तरह कुरान में इरशाद हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह वअतीउर्रसूल वअूलुल अम्र मिनकुम, यहाँ देखिए इताअतें तीन बयान की गई हैं, एक अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत और उलुल अमर की इताअत। और उलुल अमर से मुराद ये आइमा है, खुसूसन यहाँ मिज़दाक हज़रत अली इब्न अबी तालिब बयान किया गया है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, कहने का मकसद ये है कि इताअत, अच्छा ये कोई ना कहे कि रसूल की इताअत अल्लाह से हटकर कोई इताअत है, यानी अल्लाह की इताअत और है, रसूल की इताअत और है, नहीं, जो रसूल की इताअत है वो अल्लाह की इताअत है। इसी तरह उलुल अमर की इताअत भी ये नहीं है कि कोई रसूल से हटकर है या अल्लाह से हटकर है, वो उलुल अमर की इताअत भी अल्लाह की इताअत है, रसूल की इताअत है वो, यानी ये ऐसा नहीं है कि अरस में है, मुकाबले में है, नहीं, बल्कि इन में से किसी भी एक की इताअत वो अल्लाह की इताअत है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, तो यहाँ आइमा अलैहिस्सलाम की इताअत भी ज़रूरी है, जिस तरह अम्बिया की इताअत ज़रूरी है और अल्लाह की इताअत ज़रूरी है, तो यहाँ आइमा अलैहिस्सलाम की भी इताअत ज़रूरी है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, ये मुख्तसरन हम बयान कर रहे हैं, क्योंकि आइमा अलैहिस्सलाम के बाद अगर
किसकी इताअत की जाए तो वो आइमा अलैहिस्सलाम हैं। तो उसके बाद यहाँ एक अकीदा बयान करते हैं कि आले बैत अहले बैत के साथ आइमा अलैहिस्सलाम के साथ अकीदा ये है कि उनके साथ मोहब्बत की जाए, मोहब्बत के बगैर, क्योंकि ये इताअत नहीं हो सकती। जिस तरह कुरान में इरशाद हुआ कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुरबा, तो अज़ीज़ाने गिरामी यानी खुदावंद करीम अपने महबूब नबी से कहता है तुम इनको कह दो मैं तुमसे अजर रिसालत नहीं मांगता, अगर देना चाहते हो तो मेरे कुरबा से मवद्दत रखो। तो अहले बैत अलैहिस्सलाम से इन आइमा अलैहिस्सलाम से मवद्दत रखना ज़रूरी है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, तो यहाँ तक मुख्तसरन बयान किया कि आइमा अलैहिस्सलाम मनसबे इलाही है और उनकी इताते इलाही है और उनके लिए इस्मत का अकीदा रखना जिस तरह अंबिया का इस्मत का अकीदा रखना ज़रूरी है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, तो यह आइमा अलैहिस्सलाम पर कौन सी दलील है कि वो अल्लाह की जानिब से मनसूब मिनल्लाह हैं, वो मनसबे इलाही है। यह आइमा अलैहिस्सलाम 12 जो इमाम हैं वो अल्लाह की जानिब से ही इमाम हैं, क्या दलील है इस पर? तो यहाँ दलील बयान करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह मायदा की आयत नंबर 55 में इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुना सलात व युतूना ज़कात व हुम राकिऊन। तो यहाँ हसर हो रहा है कि तुम्हारा फ़कत अल्लाह वली है और उसका रसूल वली है और वो मोमिनीन जो नमाज को कायम करते हैं और ज़कात को अदा करते हैं दर हालांकि रुकू की हालत में। तो यहाँ मुसल्लम बात है कि ज़कात देने वाला कोई और नहीं था रुकू की हालत में, वो हज़रत अली इब्न अबी तालिब थे। तो यहाँ साबित हो जाता है तो वली तीन हैं, एक अल्लाह वली है और दूसरा रसूल वली है और आइमा अलैहिस्सलाम इंसानों के लिए वली हैं। तो यहाँ वली से मुराद यानी क्या है, जिनकी इताअत वाजिब है और जिनकी मोहब्बत वाजिब है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, तो ये हुज्जत हैं, हुज्जत जो मिनल्लाह अल्लाह की जानिब से हुज्जत हैं। तो अज़ीज़ाने गिरामी, उसके बाद बयान करते हैं बहुत सारी रिवायात, बहुत सारी आयात हैं इन आइमा अलैहिस्सलाम पर। और जिस तरह ये रिवायत बयान करते हैं मुसल्लमात में से आमा के दरमियान में, हमारे दरमियान में मुसल्लमात में से है कौन सी हदीस मंजिली है बयान करते हैं या अली अंत मिन्नी बे मंजिलते हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिया बादी, ये आमा के पास भी है और तमाम मुसलमीन इस पर इत्तेफाक रखते हैं कि पाक पैगंबर ने ये हदीस फरमाई है कि या अली तेरी मंजिलत मेरे लिए वो मंजिलत है जो हारून की मूसा के साथ थी। तो जनाब हारून के लिए कुरान में इरशाद हुआ, जनाब मूसा ने इरशाद फरमाया कुरान में जिक्र वज अली वजीर मिन अहली हारून आखी उश्द बेही अजरी व अशरिक को फी अमरी, यानी मेरे अल्लाह मेरे लिए मेरे अहल में से वजीर करार दे। और कौन वो? अखी हारून, मेरा भाई हारून वजीर करार दे, मेरे बाद नायब मेरा भाई करार दे। तो यहाँ मंजिलत साबित हो जाती है कि तेरी मंजिल या अली मेरे साथ वही है जो हारून की मूसा के साथ थी। तो हारून वजीर बना था, उसका नायब बना था, उसका खलीफा बना था, तो ये हारून जनाब मूसा का नायब था। तो जनाब अली इब्न अबी तालिब भी नायब हैं, या इस आयत कुरानी से मंजिलत से साबित हो जाता है कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वो पाक पैगंबर के वजीर हैं, उसके नायब हैं, उसके वसी हैं। तो यहाँ कुरान से साबित हो जाता है। लेकिन अजीज़ा ने गिरामी, फ़र्क सिर्फ इतना है जिस तरह पाक पैगंबर ने फरमाई वो नबी था, इल्ला अन्नहु ला नबिया बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, नबुवत का सिलसिला खत्म और अली इब्न अबी तालिब से इमामत का सिलसिला शुरू हो जाता है। और बहुत सारी आयात हैं अजीज इन्नमा वलियुकुमुल्लाह जिस तरह पढ़ी, जिस तरह या अय्युह रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैक मिन रब्बिक व इन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, तो अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम अतममतु अलैकुम निअमती अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना, ये आयात इस पर दलालत करती हैं कि
یہ امامت کا سلسلہ یعنی اللہ کی جانب سے منصوب ہے، اللہ کی جانب سے وہ منصب الہی ہے، نہ کہ انسانوں نے خود دیا ہے۔ تو یہاں بہت ساری آیات ہیں جو بیان کرتی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس طرح بہت ساری آیات ہیں جو سلسلہ بیان کرتی ہیں کہ آئمہ علیہ السلام منصب الہی ہے اور ان پر عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے، مسلمات میں سے ہے۔ جو بھی آئمہ علیہ السلام پر عقیدہ نہیں رکھے گا کہ وہ اللہ کی جانب سے منصب نہیں ہے تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو ضروری ہے کہ آئمہ علیہ السلام پر عقیدہ رکھا جائے، اور اس میں تقلید نہیں ہے، اس میں اجماع نہیں ہوگا کہ منصب ہم اپنی جانب سے کوئی انتخاب کریں، اپنی جانب سے کوئی انسان کو آگے لے کے آئیں، کل اس میں کوئی مشکل ہو جائے، کل ایسا نہ ہو کہ ہم خود ہی اسے امام بنائیں پھر خود ہی اس کی امامت سے انکار کر دیں۔ کیونکہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ یہ امامت کا سلسلہ منصب الہی ہے۔ اس کے بعد عزیزان گرامی، یعنی اصول دین میں سے بس یہاں مختصراً بہت ساری موضوعات تھے اس امامت کے متعلق، لیکن اختصاراً و اجمالاً وقت کی تقاضا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس وجہ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یعنی امامت کا سلسلہ منصب الہی ہے، اس پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور بہت ساری آواز درمیان میں تھی لیکن ہم نے چھوڑ دیے، کیونکہ آگے سے پانچویں نمبر پر معاد ہے، اور یہ معاد یعنی کیا؟ وہ دن جس دن حساب اور کتاب کا دن، یعنی جس کو قیامت کا دن کہا گیا ہے، اور یہ قیامت کا دن عقائد میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو یہ زندگی عطا کی، انسان کو یہ حیات ہی عطا کی، ایسے نہیں عطا کی جس طرح پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، لے یبلوکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لے یبلوکم ایوکم احسن عملا، پاک ذات ہے اس کی جس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا۔ تو اس موت اور حیات کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ خداوند کریم دیکھے کہ کون ہے جو بہترین عمل کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ عادل ہے۔ عادل کا مطلب یہ ہے جس نے بھی نیک اعمال کیے ہیں ان کو جزا ملنی چاہیے، اور جس نے بھی اللہ کے حکموں کے مخالفت کی ہے انہیں سزا ملنی چاہیے، ورنہ یہ نظام کیسے چل سکے گا کہ جو جس کے ساتھ ظلم کرتا رہے اسے سزا بھی نہ ملے، اگر کوئی عدل کرتا رہے اسے جزا بھی نہ ملے، تو کیا فائدہ ایسے نظام کا؟ تو پھر کیا فائدہ اس نظام کو مرتب بنانے کا؟ تو عدل الہی کی تقاضا یہ ہے کہ ایک دن حساب اور کتاب کا ہونا چاہیے، اور وہ ایسا حساب کتاب کا ہوگا۔ اور اس حساب کتاب سے کیا مراد ہے؟ کہ اس دن میں انسان کو مبعوث کیا جائے گا دوبارہ، اسے پلٹایا جائے گا خدا کے سامنے دوبارہ، اس کو معاد کہا جاتا ہے۔ معاد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک مرتبہ یہ انسان اپنے جسم اور روح کے ساتھ خدا کے سامنے پیش ہوگا۔ یہاں اختلاف ہے بعض مسالک کے درمیان میں، کچھ کہتے ہیں کہ فقط روح کی بازگشت ہوگی، صرف روح ہی واپس پلٹے گا، یہ جسم نہیں پلٹے گا۔ بعض کہتے ہیں فقط جسم پلٹے گا، لیکن ہم امامیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جسم اپنے روح کے ساتھ پلٹے گا۔ کیونکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جسم کیسے ختم ہو چکا ہوگا، یہ کیسے واپس پلٹے گا؟ تو اس طرح کے بہت سارے سوالات پہلے بھی ہوئے تھے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ قال بلا ولکن یطمئن قلبی، تاکہ میرا قلب مطمئن ہو جائے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ چار پرندوں کو لو اور ان کو ذبح کر لو، پھر ان کے ایک ایک جزا اس جبل پر رکھ دو، پھر ان کو پکار لو، اور جب پکارو گے تو وہ واپس تمہاری طرف آ جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ میں کس طرح انسانوں کو، حیوانوں کو دوبارہ زندہ کرتا ہوں، پہلے بھی میں نے انہیں زندہ کیا ہے، پہلے بھی میں نے انہیں حیات دی ہے، عدم سے جب وجود دے سکتا ہوں تو وجود سے اسے دوبارہ کیوں نہیں پلٹا سکتا؟ تو اللہ کے لیے یہ سارا کچھ آسان ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ انہو
अला कुल शैन कदीर, हर शय पर वो कादिर है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, एक दिन ऐसा आएगा जो ये जिस्म अपने रूह के साथ खुदा की तरह पलटेगा और उस दिन को कयामत का दिन कहा जाएगा, उस दिन को हिसाब और किताब का दिन कहा जाएगा। तो यही दिन होगा जो उस दिन अल्लाह तबारक व तआला इस इंसान के सामने उसका आमाल नामा पेश करेंगे। तो वो आमाल नामा क्या होगा, किसी को दाएं हाथ में दिया जाएगा और किसी को बाएं हाथ में दिया जाएगा, यानी किसी को सीधे हाथ में दिया जाएगा, किसी को उल्टे हाथ में दिया जाएगा। और जिनको सीधे हाथ में दिया जाएगा फहुवा फी ईशतिर राजिया, और वो ऐश में होंगे और वो जन्नत में होंगे। और जिनको उल्टे हाथ में दिया जाएगा तो वो कहेंगे काश हमें ये आमाल नामा न दिया जाता। और उनके लिए क्या है, फउम्मुहु हाविया वमा अदराका माहिया नारुन हामिया। तो अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह फरमाता है कि वो अजाब में मुब्तला होंगे, उनके लिए जहन्नम होगी। ये उस आयत का मिस्दाक बनेंगे जब अल्लाह ने फरमाया था वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तो ये क्या दुनिया तुम्हारे लिए इम्तहान गाह न थी, क्या तुमने उसके लिए उस दुनिया में रहकर आखिरत के लिए कोई सामान नहीं बनाया? तो आज वो हिसाब किताब का दिन होगा, अपने जिस्म के साथ रूह भी उसके साथ होगा। तो ये इंसान पलट के खुदा के सामने आएगा और वही हिसाब किताब का दिन होगा कि वहाँ देखा जाएगा किन का फाम्मा मन सकुलत मवाजीनो। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके मीज़ान बहुत बुलंद होंगे, और अम्मा मन खफ्फत मवाजीनो, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके मीज़ान उनके हल्के होंगे। ये मीज़ान से मुराद उनके आमाल हैं, यानी कि इनके आमाल बुलंद होंगे और कि इनके आमाल पस्त होंगे। जिनके आमाल बुलंद होंगे उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा, और जिनके आमाल पस्त होंगे उनको जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। और ये जहन्नम में खालिदीन फीहा, हमेशा रहने वाले होंगे और अल्लाह की हर नेमत से दूर होंगे। और जो जन्नत में होंगे, अल्लाह फरमा रहे हैं उनके लिए फीहा जन्नतुन तजरी, तो उनके लिए जन्नत जिनमें बहुत सारी नेमत होंगे और बहुत सारी नेमतों से वो फ़ायदा उठाएगा। तो अज़ीज़ाने गिरामी, यहाँ पाँचवें दर्स में हम यहाँ इख्तिताम करते हैं कि अकायद इमामिया में से हमने जो पाँच नुकात बयान किए और पाँच उसूल दीन को बयान किया, अव्वलन तौहीद को, उसमें वाजिबुल वजूद को ज़िक्र किया और उसकी तौहीद को ज़िक्र किया, और उसके बाद अदल को ज़िक्र किया, उसके बाद नबूवत को ज़िक्र किया, जितनी जितनी अहम चीज़ें नबूवत के लिए थी वो मुख्तसरन बयान की। आइमा अलैहिस्सलाम पर अकायद ज़रूरी है उसको आज बयान किया, और उसके बाद ये माद यानी कयामत का दिन, हिसाब किताब का दिन, जो जिस्म अपने रूह के साथ वापस जाएगा अल्लाह के सामने पेश होगा। तो अज़ीज़ाने गिरामी, हमें खुदावंद करीम से दुआ करनी चाहिए, उसके सामने पेश होना चाहिए। ऐसे ना हो कि हम खुदा के सामने कयामत के दिन शर्मिंदा हों, और ऐसे आमाल करने चाहिए जिनसे खुदा भी राज़ी हो और अम्बिया भी राज़ी हों, उनके मलाइक भी राज़ी हों और आइमा अलैहिस्सलाम भी राज़ी हों। तो ऐसा ना हो, तो जिस तरह मौला ने फरमाया है कि मुहासबा तो हमारा हतमी होगा, लेकिन इससे पहले कि हमारा मुहासबा हो, हम अपना मुहासबा खुद करें। मौला अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हासिबू कबल अन तुहासबू, ऐ मोमिनो अपना मुहासबा खुद करो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। तो अज़ीज़ाने गिरामी, मुहासबे से मुराद ये है कि हम अल्लाह के इताअत गुजार बने और देखें कि हम अल्लाह के कितने मुती हैं, हम अल्लाह तबारक व तआला के कितने इताअत गुजार हैं, कि हम अल्लाह के अहकाम को बजा रहे हैं या नहीं बजा ला रहे। तो अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह के कुछ वाजिबात हैं, जैसे नमाज है उसको अदा करनी चाहिए, रोज़ा है उसे अंजाम देना चाहिए, हज वाजिब है उसे अंजाम देना चाहिए, तो और ज़कात खून से इनको अदा करना चाहिए, अगर जिहाद वाजिब हो तो जिहाद करना चाहिए, अम्र बिल मारूफ
नेकी की हिदायत करनी चाहिए और बुरे कामों से खुद भी बचे, दूसरों को भी रोकना चाहिए। और आयमा अलैहिस्सलाम अंबिया के जितने भी मोहिबीन और आयमा के मोहिबीन हैं उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, और जितने भी उनसे दूरी अख्तियार करते हैं, नफरत करने वाले हैं, तो अजीज़ हमें भी उनसे नफरत करनी चाहिए। जो जो अदू हैं उनसे हमें नफरत करनी चाहिए, उनके किरदार से नफरत करनी चाहिए। तो अजीज़ान गिरामी हम मुहासिब होंगे, यानी मुहासब होंगे, हमसे हिसाब लिया जाएगा कि हमने ज़िंदगी कहाँ ख़त्म की। और ये जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा, ज़िंदगी के बारे में सवाल किया जाएगा, सेहत के बारे में सवाल किया जाएगा, तो हम क्या जवाब देंगे? तो अजीज़ान गिरामी ये वक्त है कि आज हम अपने नफ्स की इस्लाह करें। जिस तरह मैंने बाज़ दुरूस में फरमाया था, कद अफलाहा मन तज़क्का, तो वो ही कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया। तो अज़ीज़ाने गिरामी, तो अकायद हमें मारिफत इलाही की तरफ ले जाते हैं। ये मारिफत इलाही सबब बनती है कि हम अहकाम इलाही को समझें और उन पर अमल करें। अहकाम इलाही ये हैं, कुछ अल्लाह ने अंजाम देने के लिए हुक्म किया है और कुछ से मना करने के लिए हुक्म दिया है। कुरान में वाज़े तौर मौजूद हैं, कुतुब में आइमा अलैहिस्सलाम की रवायात में वाज़े हैं, हम उन पर अमल करें। खुदावंद करीम से दुआ है कि हमें इन सारी चीज़ों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। और खुदावंद करीम से दुआ है हम खुदावंद करीम जब क़यामत के दिन आपके सामने हों तो हम आपके सामने सुरखरू हों और आप हमसे राज़ी हों। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।